कॉफी विद करण में आकर बुरे फंसे हार्दिक पांड्या। विवाद बढ़ने के बाद हॉटस्टार ने लिया ये एक्शन। करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण में आकर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल बुरे फंसे हैं। दोनों भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं और फैंस के बीच खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कॉफी विद करण में आकर उन्होंने अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। दरअसल हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल से करण जौहर ने उनकी निजी जिंदगी के बारे में बातें की। पांड्या ने अपनी महिला मित्रों से नाइट क्लब में मिलने और बातचीत के बारे में बताया। हार्दिक पांड्या की कुछ बातों को महिला विरोधी बताया जा रहा है, जिसके बाद बीसीसीआई उन पर एक्शन ले सकती है। आलोचनाओं के बाद हार्दिक पांड्या ने जहां अपने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी, तो वहीं अब ताज़ा खबर ये है कि हॉटस्टार ने ये एपिसोड हटा दिया है। बता दें कि बीते रविवार को हार्दिक पांड्या का ये एपिसोड प्रसारित हुआ था, जिसके बाद ही पूरा विवाद हुआ। पांड्या ने कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से काफी खुला हुआ हूं और उन्हें मेरी हर गलत प्रेम के बारे में बता होता है। शो में पांड्या ने कई महिलाओं के साथ घूमने की बात कही। यह पूछने पर कि क्लब में महिला का नाम नहीं पूछा, तो पांड्या ने जवाब दिया, मुझे महिलाओं को मूव करते देखना और उन्हें ऑब्जर्व करना पसंद है। मैं थोड़ा ब्लैक साइड से हूं, इसलिए मुझे देखने की जरूरत है कि वे कैसे मूव कर रही है। शो देखने के बाद हर किसी ने हार्दिक पांड्या के इस एटीट्यूड की निंदा की। सोशल मीडिया पर फैंस का जमकर गुस्सा फूटा। कुछ यूजर्स ने न सिर्फ हार्दिक पांड्या की टिप्पणियों पर अपनी निराशा जाहिर की, बल्कि इस एपिसोड को प्रसारित करने के लिए शो को भी कोसा। इसके बाद ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और कहा कि वे शो के नेचर में डूब गए, जिसके चलते ऐसी बातें बोल गए। वहीं राहुल ने आलोचनाओं पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों को भी उनकी यह हरकत रास नहीं आई।